तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड होने वाले, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनाइए जिससे एग्जाम में हमें हेल्प मिल सके। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पिछले कई सालों से रिपीट हुए हैं और मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वही सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिरीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप था। ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जागीरदारी प्रथा, और बी नंबर है जमींदारी प्रथा, सी नंबर दास प्रथा, और डी नंबर है राजतंत्र, ठीक है। तो सामाजिक अस्थिरीकरण का सबसे प्रारंभिक रूप था वो आप लोगों को जिनको स्टूडेंट को मालूम है वो बेशक कमेंट सेक्शन में बताइए, आप गेस करिए, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, दास प्रथा, ओके। सामाजिक अस्थिरीकरण का जो प्रारंभिक रूप है वो दास प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे कहते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वर्ग, बी नंबर अस्थिरीकरण, सी नंबर जात, और डी नंबर है विभेदीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, बिना देरी के मैं आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, मुझे भी मालूम है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर अस्थिरीकरण, ठीक है। जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे अस्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से मार्क्स किसे अस्थिरीकरण का आधार मानते हैं। ऑप्शन नंबर एक है संस्कृत, बी नंबर है धर्म, सी नंबर शक्ति और सत्ता, और डी नंबर है आर्थिक आधार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जिसे आधार मानते हैं मार्क्स जी वो है आर्थिक आधार, ओके, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि इस वीडियो पे इस चैनल पे मैं डेली 7 बजे शाम को मेरी क्लासेज आ जाती हैं, तो आप डेली क्लासेज ज्वाइन करिए जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन प्रकारवादी नहीं है। तो ऑप्शन आपको 4 मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर है कि वेबर, बी नंबर है किंग्सले डेविस, और सी नंबर है पार्सन्स, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, वेबर निम्न में से जो प्रकारवादी नहीं है वो वेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दास प्रथा का प्रचलन निम्नांकित में से किन देशों में प्रचलित हुआ। दास प्रथा भी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ही था कि दास प्रथा के बारे में, ठीक है। तो वो दास प्रथा के प्रचलन है वो किन देशों में निम्नलिखित में से, यानी इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए इनमें से किस देशों में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर एक है दक्षिण अफ्रीका में, और बी नंबर है यूनान में, सी नंबर है रोम में, डी नंबर है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, दास प्रथा का प्रचलन इनमें से सभी देशों में है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में भी है, यूनान में भी है, रोम में भी है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय जात व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के अस्थिकरण का उदाहरण है। नंबर एक खुला अस्थिकरण, पी नंबर है जंगीरे, ओसी नंबर है बंद अस्थिकरण अस्थिरीकरण, और डी नंबर इनमें से समी। तो भारतीय जात व्यवस्था जो है अस्थिकरण का उदाहरण है, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बंदीकरण होना चाहिए, ठीक है, या बंदीकरण वही बात एक ही है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर प्रथा प्रचलित थी, नंबर एक मध्य युगीन यूरोप में, बी नंबर वैदिक भारत में, सी नंबर अमेरिका में, और डी नंबर मुगल काल में। तो जियो आप लोगों की जागीर प्रथा प्रचलित थी वो किस कब थी, किस काल में थी, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे थी। तो ऑप्शन आपको 4 मिल ही गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, मध्य युगीन यूरोप में जागीर प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता ही सब जगह रूल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थिकरण के आधार बताइए। ऑप्शन नंबर एक है शिक्षा, बी नंबर जन्म, और सी नंबर संपत्ति, और डी नंबर इनमें से सभी। तो भाई जो अस्थिकरण का आधार है वो शिक्षा भी है, जन्म भी है, संपत्ति है, तीनों है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैंने कई बार देखा पूछा गया है,
वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भले ही आपके एग्ज़ाम में, मैं गारंटी के साथ ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सारे आएंगे, भाई मैं गेस कर सकता हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता सकता हूँ कि इसी से रिलेटेड या ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। भले ही ना आए लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो आइडिया लग जाएगा, ओके। तो ये मैं कहेंगे आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दुनिया के मजदूर एक हो ये नारा किसने दिया। ऑप्शन नंबर एक है जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर महात्मा गांधी ने, सी नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने, डी नंबर मार्क्स ने। तो दुनिया भर के मजदूर एक हो ये नारा दिया है मार्क्स ने, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस लेखक ने अस्थिकरण को एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर एक है डेहरनडॉर्फ, और बी नंबर स्कैनर, और सी नंबर है पार्सन्स, और डी नंबर है दुर्खीम, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर पार्सन्स, ओके, सी नंबर हो जाएगा पार्सन्स। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किसने कहा था धर्म लोगों के लिए अफीम है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पिछले साल एग्जाम में ये आया था शायद, हाँ आया था ये क्वेश्चन। नंबर एक है जॉनसन, बी नंबर गांधी जी, सी नंबर मार्क्स, और डी नंबर है पेरेटो। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, सी नंबर मार्क्स ने धर्म के लोगों के लिए अफीम कहा है मार्क्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अगर मार्केट से सीरीज नहीं खरीदा, आई होप आपने खरीदी ली होंगी सीरीज क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जिससे आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उसमें से मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी पढ़ाई करिए आप, वीडियो भी मेरी देखिए, और आप जो खरीद के लाए हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उससे भी पढ़ाई करिए, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक अस्थिरीकरण का मुख्य आधार था। ऑप्शन नंबर एक है धर्म, बी नंबर वर्ग विभाजन, सी नंबर है जागीरें, और डी नंबर है संपत्ति। तो मध्यकालीन यूरोप में जो सामाजिक अस्थिरीकरण का मुख्य आधार था वो था जागीरें, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर जागीरें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि बिलासी वर्ग के बारे में विचार व्यक्त करने वाले प्रमुख विद्वान हैं, बिलासी वर्ग के बारे में। तो ऑप्शन नंबर एक है रूसो, बी नंबर है मार्क्स, और सी नंबर है मार्टन, और डी नंबर है वेलविल, ठीक है। आप कन्फ्यूजन वाले थोड़ा टफ होते हैं इन लोगों के नाम ना, पहले के लोगों के नाम वैसे ही थे ही तो टफ होते ही हैं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा वेवलिन, ठीक है, डी नंबर वेवलिन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सोरो किन तथा वेवर ने अस्थिकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर एक राजनीतिक, बी नंबर व्यावसायिक, सी नंबर आर्थिक, और डी नंबर है ये सभी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर ये सभी। सोरो तथा वेवर ने अस्थिकरण के निम्नांकित में से किन आधारों का उल्लेख किया है, यानी कि सोरो तथा वेवर ने, ठीक है, अस्थिकरण के लिए राजनीतिक, व्यावसायिक, आर्थिक, इन सभी आधारों का उल्लेख किया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे बेशक उसे नोट डाउन करिए, आप कॉपी पेन ले लीजिए जो उसमें नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्न में से बंद अस्थिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन है सत्ता, जात, वर्ग, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर। फिर से क्वेश्चन समझिए, बंद अस्थिकरण ये पढ़िए, ये बंद अस्थिकरण का एग्जाम्पल या उदाहरण है वो है जाति, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थिकरण के संघर्ष सिद्धांत से निम्न में से किसका संबंध है। तो क्वेश्चन पढ़िए फिर से, अस्थिकरण के संघर्ष सिद्धांत से, अस्थिकरण के जो संघर्ष का सिद्धांत है निम्न में से किसका संबंध है इससे। तो ऑप्शन आपको मिल ही गए हैं वेवर, मार्क्स, मैकाइवर, और डी नंबर है डेविस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अस्थिकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है। तो ऑप्शन एक नंबर है प्रजाति, बी नंबर धर्म, सी नंबर लिंग भेद, और डी नंबर है जन्म।
सामाजिक सांस्कृतिक आधार कौन सा है, यानी यहाँ पर बात हुई सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो आधार जो है वो है धर्म, सामाजिक और सांस्कृतिक के लिए जो मेन है वो धर्म जरूरी है, ठीक है, आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का पादरी सरदार एवं साधारण जन में विभाजन किस व्यवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन है कि पूंजीवादी प्रथा में, बी नंबर दास प्रथा में, सी नंबर जागीर प्रथा में, डी नंबर इनमें से सभी। समाज का पादरी सरदार एवं साधारण जन में विभाजन किस व्यवस्था में पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, जागीर प्रथा में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सामाजिक अस्थिकरण के आकार कौन से हैं? ऑप्शन एक है निष्क्रियता, बी नंबर असुरक्षा, सी नंबर है निराशा को बढ़ावा और डी नंबर है इनमें से सभी। क्वेश्चन समझ लीजिए, ये कह रहा है कि सामाजिक अस्थिकरण के आकार, ठीक है, आकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मैं बता दूं हो जाएगा इनमें से क्या, आप लोग प्लीज पहले आप लोग बताइए उसके बाद मैं बताऊंगा इसका राइट आंसर, ओके। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, होगा यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, देखो ये रॉन्ग है, ये टाइप करने में थोड़ा मिस हो गया, इनमें से सभी होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर लिखा है इनमें से कोई नहीं, इसको हटा दीजिए, इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी, ऐसा भी आपके एग्जाम में हो सकता है, इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी या ये सभी। तो जो सामाजिक अस्थिकरण के आकार हैं कौन से हैं, वो निष्क्रियता भी है, असुरक्षा भी है और निराशा को बढ़ावा देना भी है, तीनों हैं, ओके। तो यहाँ पे टाइप करना मिस हुआ है, मैंने बता दिया इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप को परिलक्षित करती है? ऑप्शन है कि शक्ति व्यवस्था, नातेदारी व्यवस्था, मूल्य व्यवस्था और डी नंबर है लोकतांत्रिक व्यवस्था। सामाजिक अस्थिकरण के स्वरूप को परिलक्षित करती है, तो जो परिलक्षित करती है वो है, वो व्यवस्था है शक्ति व्यवस्था, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो स्वरूप को परिलक्षित करती है वो शक्ति व्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो शक्ति व्यवस्था हो ही गई। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे आज के इस वीडियो में, जितने भी थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो जिन स्टूडेंट को वीडियो में कुछ क्वेश्चन मिस लगे होंगे दोबारा से वो रिपीट कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आते, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, वीडियो प्लीज़ अभी बंद मत करिएगा, प्लीज़ देखते रहिए, मैं बता दूँ आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट थे। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं कुछ ही क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, जिससे आप लोग बोर ना हों, जितना भी समझे अच्छे से समझे, अदरवाइज ना समझे, ठीक है। तो मैंने इतने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, वीडियो लंबी होती तो आप लोग बोरिंग होते, तो और भी क्वेश्चन मैंने तैयार कर लिए हैं, उनको वेबसाइट पे मैंने डाल दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा sandeepinfo.com, प्लीज़ उस पर जाइए विजिट करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदी समाजशास्त्र और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो मैंने और भी क्वेश्चन अपलोड ही कर दिए हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से तैयारी करिए। और वीडियो के डिस्कशन मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ उससे भी ज्वाइन हो जाइए, जो भी आपकी क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप उस पर भी पूछिए, मैं उसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।